तो भाई आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक छोटी सी बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये मैंने कुछ टाइम पहले शूट की थी। तो ये वीडियो मेरी पुरानी कार पे पड़ी हुई है, ठीक है, जो मेरी गोल्फ थी। और अगर तुमने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो भाई प्लीज़ चेक दैट आउट, इट्स अ रियली एंटरटेनिंग वीडियो। उसमें बताया था कि मैंने पुरानी गाड़ी बेच दी है, नई कार ले ली है। सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। एंड आज की वीडियो के बारे में बताऊँ तो भाई ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी क्वेश्चन का आंसर दिया जो मुझे स्पेसिफिकली कमेंट्स में मिले थे रिगार्डिंग ऊबर ईट्स। तो जैसे फ्यूल कंजम्पशन हो गया, तुम्हारी अर्निंग्स कितनी होती है कंपेयर टू दी फ्यूल का जो खर्चा होता है तुम्हारे हफ्ते में उसके ऊपर है, और एग्जैक्ट किस टाइम तुम्हें उबर करनी चाहिए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट सारी इस वीडियो में कवर्ड है। सो होप यू गाइस लाइक दिस वन एंड बस भाई एंजॉय करो। आज भाई गाड़ी मेरी बेसमेंट में खड़ी थी क्योंकि मैंने बाहर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आज मैं लंबा सोया था और अगर मैं बाहर इसको छोड़ देता तो भाई इस पर टिकट आ जाती बढ़िया सी। तो इसलिए मैंने सोचा इसको अंडरग्राउंड पार्किंग में लगाते हैं, $10 का पूरा दिन लग जाता है तो इट्स रीजनेबल। वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। उम्मीद है तुम मुझे बढ़िया से देख पा रहे होगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं भाई, तुमने टाइटल पढ़ लिया होगा, इट्स अबाउट ऊबर ईट्स। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि जो पिछले जो मैंने ऊबर ईट्स की वीडियो डाली थी उस पर 3 क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा आ रहे थे, ठीक है। पहली बात तो लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा वीक में कितना होता है, ठीक है। मैंने डेली बता दिया था, 6-7 घंटे का देख लिया था। तो लोग कह रहे थे कि यार ऐसे तुम वीक में कितना कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये मेरा लास्ट वीक का स्टैट मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हमने 33 आवर्स ऊबर ईट्स की थी और इसमें हमारे हो गए थे $1,218, जिसमें हमारे $137 शायद प्रमोशन के थे, ठीक है। तो ये स्टार्ट तुम देख सकते हो कि तुम ऑन एवरेज कितना कमा सकते हो ऊबर ईट्स में, डॉलर्स में कितनी मैंने ट्रिप्स की थी, कितना मैंने टाइम स्पेंड किया था, ये वो। तो लोग ये भी पूछ रहे थे कि इज इट अ लॉट, ठीक है। तो भाई पर्थ के हिसाब से दिस इज एवरेज, ठीक है। मतलब बहुत गुड भी नहीं है और बहुत बैड भी नहीं है, बट क्योंकि पर्थ में ऊबर ईट्स की अर्निंग भाई बाकी सिटी से ज्यादा है। इसका पहला रीजन ये है कि भाई यहाँ पर ड्राइवर्स कम है, लाइक एटलीस्ट जब तक बॉर्डर्स नहीं खुले तब तक ड्राइवर्स काफी कम रहेंगे क्योंकि पिछले 2 साल से भाई कोई बंदा आया नहीं है पोर्ट में, तो ड्राइवर्स की बहुत किल्लत है। और यहाँ भाई लोग अंधामीर हैं, बहुत खाना मंगाते हैं ऊबर ईट्स से, तो ट्रिप्स की कभी कमी नहीं आती, चाहे तुम दोपहर में निकलो, शाम को निकलो, रात को निकलो, ठीक है। तो ये मैंने अपने फ्रेंड से भी कंफर्म किया है कि ऊबर ईट्स अगर तुम पर्थ में कर रहे हो तो उसकी अर्निंग्स तुम्हें सिडनी एंड मेलबर्न से ज्यादा मिलती है। ड्रास्टिकली ज्यादा नहीं है बट भाई कंपेरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। सेकंड चीज जो लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा फ्यूल कितना लगा, ठीक है। तो अगर ये 1200 की अर्निंग के हिसाब से देखो तो मैंने फुल टैंक शायद 2 या 3 बार कराया होगा मैक्स टू मैक्स, वो एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मेरा टैंक ऑलरेडी हाफ फिल था। तो अगर मैंने 2 बार भी फुल टैंक कराया था विच इज अराउंड $160, ठीक है, तो $80 एक बारी का, $80 दूसरी बारी का, तो $160 था ये। और उसमें अगर तुम 160 माइनस भी कर लो तब भी यार तुम्हारे पास 1000 से ऊपर बचता है। तो अगर तुम इवन 10-30 आवर्स करो वीक में तो यू कैन इजिली अर्न मोर देन $1000 नेट इनकम, ठीक है, सारे खर्चे निकाल के। बाकी तुम बीच में थोड़ा बहुत खाना पीना खाओगे, थोड़ा पानी पियोगे, मेरे पास एक पानी की बोतल थी जो मैं शायद ऊपर ही भूला हूँ, खैर कोई दिक्कत नहीं है। आज भी गर्मी है भाई काफ़ी, तो एसी। हाँ भाई एक और चीज़, अगर तुम एसी कर करके ट्रिप्स करोगे भाई तुम्हारा फ्यूल बहुत जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली तुम बार बार गाड़ी रोकोगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, ऊपर से एसी भी चलाओगे, तो भाई फ्यूल तुम्हारा कंसिडरेबली ज़्यादा यूज़ हो सकता है। इसलिए जैसे जब बारिश होंगी या फिर पीक गर्मी होगी तब तुम्हें हो सकता है एसी के साथ ऑन करना पड़े, बट भाई कुछ चीज़ें होती हैं यू कांट हेल्प इट, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी अर्निंग इनफ हो जाएगी तो इतने टेंशन वाले लेने की बात नहीं है। अब चलते हैं भाई सीधा ऊबर पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। कब तक ऊबर करेंगे भाई कोई आइडिया नहीं है, 6-7-8 घंटे तब तक 2-3 तक कर लेंगे और फिर तुम्हें दिखाएंगे ट्रेंड कैसा है। वैसे इवन तो मैंने लास्ट पर तुम्हें दिखा दिया था, आज कोशिश करेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए भाई, मैं श्योर नहीं, हो सकता फेल हो जाए मेरा प्लान बिल्कुल, बट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अर्निंग्स हमारी आज की 0 है, हमने बिल्कुल अभी स्टार्ट नहीं किया है, 0.00 तुम देख सकते हो। और ऊबर के ये भी लोग पूछ रहे थे कि पैसे अकाउंट में कैसे आते हैं, तो डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में आते हैं और फोर्टनाइटली नहीं वीकली बेसिस पे आते हैं, क्योंकि लोग कह रहे थे भाई यहाँ फोर्टनाइटली पेमेंट का हिसाब है। मैंने कहा नहीं भाई ऊबर के पैसे तुम्हें वीकली आया करेंगे, और अगर तुम्हें इवन 2 वीक की साइकिल्स अगर तुम्हें पहले भी पैसे चाहिए तो तुम कैश आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। मान लो तुम्हारे पैसे वेडनेसडे को आने हैं बट तुम्हें यार सैटरडे या संडे को नीड हो गई, तो तुम अगर जो भी है तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं इंस्टेंटली तुम कैश आउट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और हमारे पास एक प्रमोशन आ रखा है जो कि तुम देख सकते हो कि कंप्लीट 100 more trips टू मेक $140 extra। तो ऐसे प्रमोशन है जो हर ड्राइवर टू ड्राइवर आते रहते हैं। तो इनका कहने का मतलब है अगर मैं थर्सडे रात 12 बजे तक मैं अगर 100 ट्रिप्स कर देता हूँ तो मुझे जो भी मेरा अमाउंट बना होगा उस पर $140 का बोनस मिल जाएगा फ्री फंड का। तो भाई ठीक है, मेरे को नहीं पता हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस हफ्ते मैं काफी बिजी हूँ, कल तो फुल डे बिजी हूँ, वेडनेसडे सेकंड हाफ बिजी हूँ, तो मुझे नहीं पता हो पाएंगे, बट आई एम नॉट एमिंग फॉर द क्वेस्ट। अपने को सिर्फ वीडियो बनानी है, ऊबर करना है और तुम्हें ट्रेंड दिखाना है, ठीक है। तो चालू करते हैं, ट्रिप नहीं है भाई अभी तक एक, तो
कुर्सी की पेटी बांधना बहुत जरूरी है, नेवर मिस इट। यहाँ पे हो सकता है तुम्हारा फाइन रेड लाइट जंपिंग लेना हो, बट सीट बेल्ट के बिल्कुल हो सकता है। भाई ट्रिप आ चुकी है हमें, तो ये हमारी ट्रिप आई है $14 की, दो ट्रिप एक साथ है, तो हम इसको बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, चालू करते हैं। पहला पिक है हमारा IGS है, दूसरा फिर बाद में देखेंगे। चलते हैं, चलते चलते बात करते हैं तुमसे भाई। शाम को ऑस्ट्रेलिया का मौसम भाई बहुत बढ़िया होता है, इवन दो भी गर्मी है, बहुत तेज धूप है, तुम देख सकते हो मेरे फुल धूप पड़ रही है मुँह पे, बट जो हवा में जो ठंडा क्या ना भाई, वो तुम्हें हर सिटी में मिलेगी, हर शाम को मिलेगी। दिन में जितनी मर्जी गर्मी हो, शाम को भाई मौसम एकदम न्यूट्रलाइज हो रहा था। तो अभी हम सिटी में ही हैं। पहला पिकअप है हमारा, एक शॉप है जिसका नाम है रिब्स एंड बर्गर्स। हाँ, तो वहाँ से पिक करेंगे। विलियम स्ट्रीट पे है, बिल्कुल पार्किंग नहीं मिलेगी, तो मेरा मुद्दा ये है राधर दिन में विलियम स्ट्रीट पे पार्किंग ढूंढ लूँ। मैंने कहीं दूरी पार्क कर लेनी है, जिससे मुझे थोड़ा चलना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस बात है, बट एटलीस्ट मेरे पार्किंग का जो टाइम वेस्ट होना था वो बच जाएगा। तो किस्मत से पार्किंग भाई मिल गई, ज़्यादा दूर नहीं है। फटाफट भाई मैं खाना लेके आता हूँ, फिर तुमसे बात की जाएगी। पहला पिकअप ले लिया अपन ने, दूसरा पिकअप लकीली पास है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। और मास्क भाई वापस आ चुके हैं WA में, इनका यही है भाई, एक हफ्ते मास्क लाओ, एक हफ्ते मास्क उतार दो, एक हफ्ते मास्क लाओ, एक हफ्ते मास्क उतार दो। सेकंड पिकअप हो गया हमारा, वो था हमारा IGS है। IGA भाई यहाँ की एक सुपरमार्केट चेन है, सुपरमार्केट कम कन्वीनियंस स्टोर जो 24/7 खुला होता है। भाई मास्क पहन के तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब डिलीवरी स्टार्ट की जाए, डिलीवरी है भाई माउंट लॉली की, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं। बेसिकली इस पिकअप के बाद हमारे जो भी पैसे हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो देखेंगे कि ये दो ट्रिप करने के अपने को कितने पैसे मिले। एक होता है भाई गाड़ी गंदी होना, ठीक है, जो हम सबकी होती है। एक होता है गंदी गाड़ी पे पानी पड़ जाना, उसकी हालत हो जाती है ऐसी। इसको भी साफ कराएंगे कल परसों में। तो वीडियो की स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि इस ट्रिप के हमें कुछ 12 या 14 समथिंग का एवरेज था जो हमें दिखा रहा था स्क्रीन पे, बट तुम देख सकते हो हमें एक्चुअल में मिले 21, क्योंकि हमने थोड़े लॉन्ग रूट्स आए हैं, वो भी क्योंकि भाई रोड बंद मिली है, मैं तो काफ़ी घूमना पड़ा। सेकेंडली वेटिंग टाइम बहुत था दोनों रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, तो उसका बोनस हमें ऐड हुआ है। तो विद इन 22 मिनट्स हमारे हो गए हैं $21, नॉट बैड, काफ़ी सही है एक्चुअली, क्योंकि जब तक हम 1 घंटा करेंगे शायद हमारा 40 क्रॉस हो जाए, तो 1 घंटे की एवरेज 40 बन जाएगी, बट आई एम नॉट श्योर। चलते हैं अगली ट्रिप पर, अभी तक आई नहीं है, जैसी आएगी देखते हैं अगली ट्रिप कहाँ की है। तो भाई जहाँ पे जिस सब में हमने डिलीवरी की थी वहाँ पर तो मैं बिल्कुल ट्रिप्स नहीं आ रही, तो मैं अभी थोड़ा सिटी की तरफ ही जा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट ट्रिप्स तो आए, वरना ऐसे चलता रहा तो भाई दिन हमारा बहुत बेकार चला जाएगा। तो थोड़ा सिटी की तरफ चलते हैं, नॉट लाइक बिल्कुल सिटी में नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी ट्रैफिक होगा, सिटी की तरफ टुवर्ड्स द नॉर्थ एरिया, क्योंकि भाई नॉर्थ पर्थ और स्कारबोरो वाला जो एरिया है भाई वहाँ पे काफ़ी ट्रिप्स आती हैं, और रात तक ट्रिप्स आती है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं मोस्टली 2:30 बजे तक रात को खुले होते हैं, तो आई वुड स्टिल प्रेफर गोइंग देयर। तो वहाँ पहुँच के देखते हैं कि भाई कैसी ट्रिप्स आ रही हैं और कितनी ट्रिप्स आ रही हैं। हमारा तब भी प्रॉफिट है, $5 भाई सुनने में कम लग रहा है, बट इतनी कम डिलीवरी के लिए $5 इज ऑल राइट, क्योंकि 5 से कम पे ऊपर वाले देते नहीं, चाहे तुम्हारी 100 मीटर की डिलीवरी हो चाहे तुम्हारी 2 किलोमीटर की डिलीवरी, जो उनका बेस रेट है भाई वो 5 ही रहता है, 5 से नीचे तुम कभी भी नहीं जा सकते, 5 से ऊपर उल्टा तब भी मिल सकते हैं कि भाई अगर प्रमोशन चल रहा हो या अगर तुम्हारा बूस्ट लगा हो तो 5 से ऊपर भी मिल जाता है छोटी छोटी ट्रिप्स के। भाई से क्यूट से शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भाई तुम्हें और ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पिकअप है, 1 पिज्जा 1 गार्लिक ब्रेड फॉर मिस्टर केन, इसको डिलीवर करते हैं, कितने पैसे मिलते हैं देखते हैं, वैसे 5 ही मिलेंगे ऑब्वियस बात है, और मैं तुम्हें नेक्स्ट अपडेट देता हूँ जब हमें टोटल 1 घंटा हो जाएगा ट्रिप्स करते करते। भाई मैं गाड़ी में ऑर्डर लेके पहुँचा ही था कि सेम पिज़्ज़ा जहाँ से मैंने उठाया उसी रेस्टोरेंट से एक और ट्रिप आ गई, जिसके कुछ $4.50 या $5 मिल रहे हैं, तो नॉट बैड उठा लेते हैं उसको, बट भाई इनको अगर सेम रेस्टोरेंट है तो सेम एक साथ डिलीवरी ना देनी चाहिए भाई,
मैं इतनी दूर वॉक करके गाड़ी में सामान रखा, फिर कह रहे हैं कि भाई एक और उठा लो। बट खैर हमें पैसे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उठा लेते हैं। तो इन भाई साहब ने दो पिज्जा मंगाए, एक लार्ज एक एक्स्ट्रा लार्ज। हाँ तो भैया, वक्त है बहुत ही क्विक फायर अपडेट का। हमें ऊबर करते हुए एक घंटा हो गया है, एक घंटा 11 मिनट हो गए हैं। अकाउंट में हो गया हमारे $29.72, कम है बट क्योंकि आज वीक डे तो इतना कंप्लेन नहीं कर सकते। तुम लड़ लो भाई, पहले तुम्हें दो और ट्रिप आ चुकी हैं। तो यहाँ से ये जो ट्रिप मैं अभी करंटली कर रहा था, इसको ख़त्म करने से पहले आ गई थी। तो ये ट्रिप हमारी है पिकअप पास में ही है, बट ये काफ़ी पास है पिकअप, देखो काफ़ी पास पिकअप है। और इसका ड्रॉप होगा सिटी में, तो सिटी में बेनिफिट बस ये होगा कि देखते हैं अभी तक ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया होगा और सिटी में पास पास की ट्रिप्स आएंगे तो अर्निंग थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो यहाँ चलते हैं और नेक्स्ट अपडेट देते हैं तुम्हें दो घंटे बाद, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड। ये है क्राउन टावर्स, पर्थ का 7-star होटल। तो भाई यहीं पे हमने जस्ट अभी ड्रॉप ऑफ किया एक बंदी को जो लॉबी में कल हमसे लेने आ गई थी। अगर भाई तुम पर्थ आ रहे हो और तुम्हें गैम्बलिंग करने का शौक है तो भाई पर्थ का सबसे बड़ा कसिनो तुम्हें यहाँ मिलेगा क्राउन टावर्स में। एंड ड्रॉबैक ये है कि भाई मैं आज तक गया तो बहुत बार हूँ बट मैं अभी तक उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ बिकॉज वीडियो रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड इन द कसिनो मैन। भाई WA की जो ब्यूटी है आफ्टर सनसेट भाई वो अनमैच्ड है, ठीक है? तुम ईस्ट कोस्ट जाओगे तुम्हें ठीक है सनराइज वगैरह देखने को मिलेगा, बट जो सनसेट एंड जो माहौल तुम्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलता है भाई वो मतलब भाई इमेंस ब्यूटी है भाई हर जगह। मतलब आई नो कैमरे में इतना नहीं दिख रहा बट भाई जब तुम खुद यहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे ना यू विल बी लाइक भाई WA से बेटर कोई जगह ही नहीं भाई आफ्टर सनसेट। भाई यहाँ पर दिन भर मैकडोनल्ड्स का ऑर्डर नहीं आता बट जैसी रात हुई जैसी शाम हुई भाई मैकडोनल्ड्स का ऑर्डर आना चालू हो जाएंगे, सिर्फ एंड सिर्फ मैकडोनल्ड्स। भाई तुम्हें एक अपडेट दे देते हैं, और मुझे पता है थोड़ा अंधेरा हो गया तो भाई वीडियो क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज तो होगी। तो मैंने 1 hour का अपडेट दिया तुम्हें, अब हमारे 2 hours में भाई हो चुके हैं $54.89 जो कि तुम्हारी स्क्रीन के सामने है। एंड शुरुआत भाई हमारी काफ़ी धीमे हुई थी बट आई थिंक दिस इज गेटिंग अप टू द मार्क, क्योंकि अगर हम एक ट्रिप और कर लेते विद इन द 2 hours तो हमारा ऑलमोस्ट $30 पर आवर की एवरेज हो जाती। बट भाई ये सही है क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी ट्रिप पे हूँ और भाई ट्रिप्स दबा के आ भी रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि भाई ट्रिप्स आनी बंद हो गई हो। और मैं सिटी से थोड़ा दूर हूँ, क्राउन टावर्स इज लिटिल फार फ्रॉम द सिटी लाइक 10 kilometers समथिंग। तो वीडियो ये डिलीवरी स्टार्ट करते हैं और तुमसे फिर मिलते हैं। एंड उस शॉट में हो सकता है भाई थोड़ा अंधेरा हो जाए क्योंकि भाई रात ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो जैसे ही भाई सनसेट का तो बस जितना दिखाऊं तुम्हें उतना कम है, तो जैसे ही सनसेट हो जाएगा थोड़ा वीडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी बट मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई यहाँ थोड़ी लाइट आ रही है, अपने को निकले हुए हो गए हैं 2.5 hours, ठीक है? और 2.5 hours में अभी हमारे 2.5 hours में हमारे हो गए हैं $84, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो हो सकता है ये, और क्योंकि अभी भाई बहुत बिजी है बट मेरा वक्त मेरा टाइम है, मेरा प्लान है अभी ब्रेक लेने का। अभी मैं जा रहा हूँ पिज़्ज़ा हट, वहाँ पे 30-45 minutes का ब्रेक लेंगे, भूख लग रही है भाई। तो कुछ खाया जाएगा पिया जाएगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि दोबारा कब निकलना चाहिए। अगर ज़्यादा बिजी हुआ तो अभी स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा बिजी नहीं हुआ तो घर जाकर रेस्ट कर लेंगे। तो देखते हैं, फिलहाल अभी भूख लग रही है, खाना खाया जाएगा। सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, क्योंकि मैं घर आके भाई सो गया था, काफ़ी थकान भी महसूस हो गई थी और मुझे आई एम प्रीटी श्योर अगले दिन दोबारा काम पे जाना था तो मैंने ज़्यादा देर नहीं की। सो एज यू कैन सी विद द अर्निंग स्टार्ट हमने 7-7.5 hours में कुछ $238 कर लिए थे। स्टार्ट तुम्हारी स्क्रीन पे होगा एंड यू कैन डिवाइड बाई की कितनी एवरेज थी हमारी। एंड भाई अगर तुम्हें न्यू वीडियो चाहिए न्यू कार पे, ठीक है, न्यू उबर इट्स की वीडियो नई कार पे, तो भाई प्लीज़ कमेंट करो, जरूर डालेंगे। एंड बस भाई सी यू इन द नेक्स्ट वन। आजकल थोड़ी वीडियो फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि भाई सेमेस्टर नया नया स्टार्ट हुआ है, काफ़ी सारे असाइनमेंट्स हैं, इवन तो मेरे यूनिट एक दो ही हैं सिर्फ, बट काफ़ी यू नो एसेंशियल काम है जो मुझे करना होता है। एंड ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन कॉलेज चल के चले गए और काम हो जाएगा, उसमें 3-4 days लगातार हमारी ग्रुप मीटिंग्स होती है तो थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ, बट आई विल मेक श्योर कि नई वीडियो जल्दी आए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।